चाहे वो एमबी डिप्लोमा हो चाहे वो या किसी आ, स्टेट की बात हो या प्राइवेट कॉलेज हो या कोई डीम्ड हो ठीक है सभी के बारे में बात करेंगे मार्क्स आपके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है कैटेगरी वाइज बात करेंगे जनरल ओबीसी के लिए क्या मिल सकता है आ, उसी और उसके अंदर गवर्नमेंट में अगर एस है तो उसमें क्या मिल सकता है एस टी है तो कौन कौन सी ब्रांचेज आपको मिल सकती है तो सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें यू विल गेट एवरी सिंगल अपडेट फ्रॉम आवर साइड ठीक है और इसके अलावा यू कैन ऑलो अवेल पेड काउंसिलिंग सर्विस नंबर इज गिवन ऑन द स्क्रीन यू कैन कॉल और हमारे साथ जो भी जानकारी चाहिए जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं ठीक है इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन आप हमारे पास करा सकते हैं लिमिटेड स्लॉट्स हैं इस बार हमारे पास ठीक है तो आप अनलिमिटेड स्लॉट्स में भी बुक कर सकते हैं अपना आपको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं काउंसलिंग करवाने के लिए ठीक है ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं एड्रेस जो भी है आपको नोएडा में ऑफिस है नॉर्थ से है अगर आप और उसके अलावा मुंबई साइड से मुंबई में हमारा ऑफिस है बेंगलोर साइड से बैंगलोर में हमारा ऑफिस विजिट वहाँ पे भी कर सकते हैं ठीक है सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले गवर्नमेंट के बारे में ठीक है ऑल इंडिया कोटा से तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हैं ठीक है तो आपको लोअर क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल आपको मिल सकती हैं जैसे कि ए एन हो गया ऑपथेल हो गया ठीक है तो ये जो सारी ब्रांचेज हैं एनेशिया हो गया ये सब आपको मिल सकता है नॉन क्लिनिकल में आपको पैथोलॉजी या जो भी ब्रांचेज है ठीक है इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री हो गया तो ये सारी आपको मिल सकती है फिजियोलॉजी जैसे ठीक है और उसके बात करें अगर हम एस सी कैटेगरी में गवर्नमेंट कोटे ऑल ऑल इंडिया कोटा से तो ब्रांचेस आपको सारी पॉसिबल है एक्सेप्ट द वन इज रेडियो रे, रेडियो डायग्नोसिस को आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी एस सी में और एस टी में सारी ब्रांचेज पॉसिबल है चाहे वो रेडियो हो डर्मा हो मेडिसिन हो हायर क्लिनिक और लोअर क्लिनिक लोअर क्लिनिकल आपको दो सारी मिल सकती है यहाँ पे एस टी में ठीक है अब हम बात करते हैं पे डीएनबी के बारे में तो डीएनबी में आपको मिड क्लिनिकल एंड लोअर क्लिनिकल मिल सकती है जैसे कि यहाँ पे टीबी चेस्ट मिल सकती है एम एस ओर्थो मिल सकती है लोअर क्लिनिकल में आपको एनेस्थीसिया हो गया साइकेट्री हो गया ई एन टी हो गया तो सारे ब्रांचेस आपको मिल सकते हैं जनरल ईडब्ल्यू एस और ओबीसी में और एससी में बात करें डीएनबी में तो सारी ब्रांचेस पॉसिबल है रेडियो डायग्नोसिस और डर्मेटोलॉजी को छोड़कर और एस टी में सेम गवर्नमेंट की तरह की आपको सारी यहाँ पे ब्रांचेस पॉसिबल है ठीक तो है बात करते हैं हम नेक्स्ट एनबी डिप्लोमा के बारे में तो ऑल ब्रांचेस पॉसिबल हैं एक्सेप्टी uh, को छोड़ के, सारी है, uh, के लिए और एस सी और एस टी के लिए पॉसिबल है बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अगर आपकी फोर फिफ्टी वन से लेके फोर सेवेंटी फाइव तक मार्क्स है तो हायर क्लिनिकल जो है आपको रेडियो डर्मा हो गया मेडिसिन होगी तो ये आपको ट्वेंटी फाइव लैक्स की फीस में आपको मिल सकता है इसली. तो ,00 फीस में मिल, सकता। मिल सकती है आप उसमें आपको, कि आपको कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है किसका हॉस्पिटल में इनफ्लो ज्यादा अच्छा है पेशेंट लोड कहाँ पे है कहाँ पे अच्छी फैकल्टी है तो उस सब के लिए आप हमारी टीम को डाइड कर सकते हैं और जान सकते हैं किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में उसका फीस स्ट्रक्चर भी क्या है सारी चीजें ठीक है अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में ठीक है अगर अगर आप रेडियो और डरमा देख रहे हैं इतने मार्क्स पे 451 से लेके इसमें करेक्शन करूंगा मैं 476 मार्क्स तक पे तो आपको रेडियो और डरमा आपको मिल जाएगी 21 लाख लैख रुपीज की फीस में 25 लाख ,00 से स्टार्ट होते हैं पर्यानम की तो जो स्टेट रहेंगे वो रहेंगे यूपी हरियाणा राजस्थान पाण्डीचेरी और बिहार सभी ओपन स्टेट हम इन सभी में ही अप्लाई कर सकते हैं यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पे अगर आपकी रैंक ज्यादा भी है ठीक है अगर फिफ्टी भी है ठीक है तो आपको इजिली यहाँ पे चीजें सारी मिल सकती है रेडियो डरमा ट्वेंटी वन लाख रुपीज पर एनएम की फीस में और इसके अलावा जो जनरल मेडिसिन पीड़िया ऑफलाइन है और तो जनरल सर्जरी टीबी चेस्ट ये आपको फीस मिल सकती है एट पॉइंट फोर लाख फोर लाख रुपीज पर एनएम की फीस से आपको मिल सकता है स्टेट कौन से रह सकते हैं जहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा यूपी हरियाणा एचपी हिमाचल प्रदेश पाण्डिचेरी बिहार वेस्ट बंगाल और कर्नाटक ये सभी स्टेट्स है कम से कम फीस में आपको यहाँ पे मिल सकता है एट पॉइंट फोर लाख रुपीज पर एन एम की फीस में ठीक है तो आपको यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं

लो में ठीक है तो सारी आपको पॉसिबिलिटीज हैं एस सी और एस टी में, में आपके लिए सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं चाहे वो रेडियो हो 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 जनरल मेडिसिन ठीक है सेम फॉर एस टी कैटेगरी और अब हम मूव करते हैं डीएनबी की तरफ तो डीएनबी में इफ यू बिलोंग टू कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यू एस यू कैन एक्सपेक्ट यू कैन यू नो एक्सपेक्ट ऑल द ब्रांचेज एक्सेप्ट रेडियो एंड डर्मा ठीक है तो रेडियो डर्मा छोड़ के आप सारी ब्रांचेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है पॉसिबिलिटीज हैं ऑल ब्रांचेज अगर एस में बात करें तो सारी ब्रांचेज पॉसिबल हैं एक्सेप्ट रेडियो एंड डर्मा और एस के लिए सारी ब्रांचेज यहाँ पे पॉसिबल है अब बात करते हैं एनबी डिप्लोमा के बारे में तो एनबी डिप्लोमा में चाहे आप जनरल ईडब्ल्यूस ओबीसी से हैं ठीक है सारी ब्रांचेस पॉसिबल हैं सेम फॉर एस सी एंड एस टी कैटेगरी ठीक है रिजर्व कैटेगरी भी यहाँ पे सेम रहने वाला है डीम्ड यूनिवर्सिटी में हायर आपको ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज पर में मिल जाएगा मिडिल क्लिनिकल आपको ट्वेंटी स्टार्टिंग और लोअर क्लिनिकल आपको लाख पर की फीस स्टार्टिंग से मिल सकता है जो डीम यूनिवर्सिटीज की फीसिस होती फीस वैसे ही बहुत ज्यादा होती है तो ये आपको फीसिस हैं जो से आपको फीस स्टार्ट होती है सबका आपको मिल सकता है डीम यूनिवर्सिटीज़ का पर्टिकुलर हमसे जान सकते हैं किस यूनिवर्सिटी का क्या फीस स्ट्रक्चर है ठीक है और आपको किस रैंक पे मिलेगा या नहीं मिलेगा आप वो जान सकते हैं इस मार्क्स के बारे में तो आपको नंबर नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा उस हमें कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं नेक्स्ट मूव करेंगे तो प्राइवेट जो कॉलेज है रेडियो डरमा आपको मिल जाएगा फीस कौन सी रहेगी फोर्टीन लाख रुपीज पर एन की यूपी हरियाणा और पाण्डीचेरी जैसे स्टेट्स में जनरल मेडिसिन पेडेट्रिक्स गाइने ऑर्थोपेडिक्स जनरल सर्जरी और टीबीएच ये भी एट पॉइंट फोर लाख रुपीज पर एन की फीस आपको मिल जाएगा कहाँ पे यूपी हरियाणा एचपी पांडीचेरी बिहार और वेस्ट बंगाल और उसके अलावा जो इमरजेंसी मेडिसिन ये इन एट प्वाइंट फोर मिल सकता है ठीक है ये फीस टू जा सकती है ट्वेंटी ट्वेंटी लैक्स ठीक है बट आपको यहाँ पे कोशिश करनी होगी काउंसलिंग की आपको कम से कम फीस में उस स्टेट में कैसे मिले ठीक है आपका सारा कुछ काउंसलिंग पे डिपेंड करने वाला तो आपकी जो काउंसलिंग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से होनी चाहिए ठीक है आप किसी की उंसलिंग खुद भी कर सकते हैं लास्ट जो स्टेट्स है उसको उठा के या आप किसी टीम की आ, हेल्प ले सकते हैं किसी एक्सपर्ट को ले सकते हैं चाहे तो हमें भी हायर कर सकते हैं उसके लिए बट काउंसलिंग आपके अच्छे से होनी चाहिए अगर आपकी रैंक कम भी है ठीक है या ज्यादा है आपके मार्क्स जैसे ज्यादा मार्क्स कम है रैंक बहुत ज्यादा है

550 से लेके मिलने वाली है इसी चैनल चैनल पे चानल को सब्सक्राइब कर लें नंबर नीचे दिए उस पर कॉल कर सकते हैं इफ इन केस इफ यू वांट टू टेक अवर पेड काउंसलिंग सर्विसेज ठीक है अभी के लिए वीडियो ये थी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा अभी के लिए थी वीडियो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट